क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। देखे हम पे एहसान कर रहे हो क्या? इस देश की जनता पे एहसान कर रहे हो? चंदा तो हर पार्टी लेती है। कांग्रेस की अध्यक्षता में जनाब सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा सोलंकी और आज हमारी चुनावी यात्रा मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में वो मौजूद है। उनसे आज जानेंगे कि आखिर सरकार किसकी आने वाली है या फिर यहाँ की जो जनता है वो किसकी सरकार चाहती है, जो पहले की सरकार रही उसने क्या काम किए क्या नहीं किए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो मौजूद है, क्योंकि लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में ये जनता की राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और इन्हीं के माध्यम से जो है सरकार बनती है। तो इन सभी तमाम माध्यम इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ के जो जनता जनार्दन है वो मौजूद है। उनसे जानकारी करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम विक्की शर्मा है। विक्की शर्मा जी, यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखो, जो भी चुनाव हो वो विकास के नाम पर हो। यहाँ 10 साल से भाजपा के सांसद हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे हापुड़ क्षेत्र को उन्होंने अब क्या सौगात दी? आप देखिए, अभी एक घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि यहाँ से बच्चे नियोडा जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कुछ सर्विस करने जाते हैं, कुछ गाजियाबाद जाते हैं। अभी 2 महीने पहले की घटना है कि लड़की ऑटो से जा रही थी तो 2 लोगों ने मोबाइल का जो लड़की का छीना, छीनने के बाद वो बेचारी नीचे गिर गई, जिससे वो तुरंत उसकी मतलब वो अस्पताल में जाने के 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमने सांसद मोदी जी से और सरकार से भी और यहाँ के लोगों ने भी DM से गुहार लगाई कि एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए बस की, जो बच्ची जैसे पिंक जो ये नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, उस नारी शक्तिकरण को आप ऊर्जा जब दे पाएंगे, जब उसके लिए होगा आप व्यवस्था कर पाएंगे, वो व्यवस्था होती तो वो लड़की की जान नहीं जाती। दूसरे नंबर पर बड़े तौर पर यहाँ पर बेरोजगारी, जो आज 10 साल हो गए हैं सांसद जी को और सरकार को भी, यहाँ पर कोई भी उद्योग ऐसा ही नहीं लगा कि जिससे कि जो यहाँ के लोगों का पलायन जो हो रहा है गाजियाबाद के लिए, नोएडा के लिए, दिल्ली के लिए, वो ना हो पाता। तो यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या यहाँ के सांसद जी की तरफ से कोई ऐसा उद्योग यहाँ नहीं दिया गया है। तो जो चुनाव होना चाहिए मुद्दों पर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर नहीं होना चाहिए। जनता को पूछना चाहिए, भाई मेरे मूलभूत अधिकार नाली खड़ंजा बिजली सड़क पानी नहीं है, मेरे मुद्दा जो है यहाँ का कैसे डेवलपमेंट हो। हम यहाँ जो सुबह सुबह बच्चा आप देखिए, सुबह 4 बजे लोग उठते हैं, कोई शटल से जाता है, कोई इंटरसिटी से जाता है, कोई 4 बजे वाली गाड़ी से जाता है, क्योंकि यहाँ धंधा नहीं है, काम नहीं है, इसलिए नौकरी करने लोग बाहर जा रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं, नोएडा में विकास हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, हमारे हापुड़ में इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, फैक्ट्री आनी चाहिए, जो 10 साल से अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। तो हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप आएँ, आपका स्वागत है, हम स्वागत करने जाएंगे, मगर हम स्वागत किस बात करेंगे? 10 साल में आप क्या कुछ नहीं दे पाए तो अब क्या दे पाएंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से कि हमें कुछ मिल पाएगा। क्या लगता है इसमें सरकार की कमी रही या फिर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या फिर कहा जाए जो पूर्व में जो सांसद रहे हैं उनकी कमी मानते हैं? देखो, कमी तो सबकी है, कमी जनता क्या है, जनता भुलक्कड़ है, वादे कैसे करते हैं, नो हम ये देंगे वो देंगे। आज तक तहसील चोपला जो हमारे यहाँ आप खड़े हैं तो आप यहाँ 12 बजे के बाद खड़े भी नहीं हो पाएंगे, इतना जाम होता है यहाँ, कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा जाम हो जाता है। जाम की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है गवर्नमेंट के थ्रू, और ना ही कोई सांसद जी आपने बात कही। आप हमारे यहाँ पर एक उद्योग क्षेत्र है जिसे दीरखेड़ा बोलते हैं, वो भी हापुड़ में नहीं लग रहा, वो भी मेरठ में लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीज़ दी गई हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने बहुत सारी जगह गाड़ियाँ, मगर वो ज़मीन खाली पड़ी है, अभी तक उस पर कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जी गौरव गर्ग है और मैं हापुड़ का निवासी हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में यहां BJP के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, अगर बात की जाए विकास की तो विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया जी। होता क्या है चुनाव में, आप 10 साल तो मतलब आप 5-7 साल तक बात करते हैं मतलब विकास के कामों को लेकर, जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम पर डर करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आप जनता के विकास की आपको काम करने चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति आपको करनी चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, प्रत्याशी कोई भी आए, कैंडिडेट कोई भी आए, पब्लिक का काम करने वाला हो। अब देखिए, आप ये आपके ये सामने आप दिखा रहे होंगे ये तहसील चौराहा, यहाँ डेली कंडीशन रहती है कि हर यहाँ 1 घंटे में जाम का लगा रहता है बराबर। शहर के लोग यहाँ इनसे परेशान है इस कंडीशन से। हम मांग करते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि जो मतलब आपके जो जो बड़े वाहन है वो ऊपर से निकाले जाए और शहर के बाहर अंदर से निकाले जाए।
कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके की यहाँ पर जाम की समस्या बताई, ऐसे में लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि 10 साल से लगातार यहाँ पर वो सांसद हैं, तो ऐसी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाना, किसकी गलती मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये पब्लिक की गलती मानी जाएगी। पब्लिक को कुछ लालच दिया जाता है, जैसे कि अब देखिए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोग आप लालच दे रहे हैं पब्लिक को फ्री राशन का। देखिए, मेन बात यह कि पब्लिक को राशन की जरूरत नहीं है, फ्री राशन की। पब्लिक को आप रोजगार दीजिए, आप पब्लिक को रोजगार देंगे तो पब्लिक तो अपने आप ही मतलब उन पैसों का अपना राशन पानी की व्यवस्था कर लेगी। और फिर ऐसे से क्या है, आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी करूँगा, बस गवर्नमेंट से मांग करूँगा कि पब्लिक इस समय देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, आप इन पर ध्यान दीजिए और बेरोजगारी की बात कीजिए आप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दर्शक है और जो जनता है लोकसभा क्षेत्र की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो है विकास के नाम पर वोटिंग होनी चाहिए। जो ये धर्म बात चल रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो नाराज दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया? अंकित शर्मा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? जो वर्तमान सरकार है इसकी तो उम्मीद नहीं है फिलहाल, और जनता भी काफी कुछ चीजें समझ रही है, और जनता तो वर्तमान सरकार से बस एक ही चीज़ जानना चाहती है कि विकास वगैरह तो अब मुद्दे रहे नहीं, वो बस ये जानना चाहते हैं कि जो चंदा होता है उसे धंधा कैसे बनाया जाता है। हर किसी की ज़ुबान पे एक ही सवाल है कि कोई सिखाए ये चंदे का धंधा, और ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा इसमें छिपा है चुनाव जीतने का फलसफा। तो जनता की ज़ुबान पर बस ये है कि सरकार से यही गुजारिश है, प्रार्थना, कि आम लोगों को भी ये तरीका बता दें कि चंदे को धंधा कैसे बनाया जाता है, जिससे वो भी जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर, युवा हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, इन्हीं चीज़ों पर जो है वोटिंग होनी चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शाहिद मंसूरी है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? कुछ देखिए, सरकार इस वक्त, इस बार जो सरकार जो है ये चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। सरकार तो इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता देख रही है वो बहन जी की तरफ देख रही है, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनता हो। और जनता भी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश में बननी चाहिए और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। चूँकि अहम मुद्दा जो है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ जो इनके पास एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, उससे भी मुसलमान ही परेशान नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत परेशान हैं। इनके नौजवान बहुत बेरोजगार हो गए, चूँकि दिन निकलते ही जब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखते हैं तो इनका ये एजेंडा जो है जिस पे ये काम कर रहे हैं, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। चाहे रोजगार मिले या ना मिले, इस देश में किसी को शिक्षा या स्वास्थ्य या इलाज मिले ना मिले, लेकिन जो धर्म की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो इनका एजेंडा है, ये उसी पे काम कर रहे हैं। और अभी तक कोई इस तरह का कोई विकास नहीं किया जा रहा है कि भाई जिससे हमारा देश तरक्की करे। तो हम चाहते हैं कि इस देश में राजनीति तो हो, लेकिन इस तरह की राजनीति ना हो कि कोई धार्मिक राजनीति ना हो कि मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हों और उसको पीछे से ठोकर मारी जाए, या हमारे भाई कांवर लाए जाएँ, उनको सताया जाए, उन पर अत्याचार हो। इस देश में कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश के जितने नागरिक हैं, ये एक गुलदस्ता है। ये जो देश है ये एक तरह से चमन है, बगीचा है, इसमें हर तरह का फूल होगा तो ये बगीचा अच्छा लगेगा। और अगर कोई यही चाहे कि इस बगीचे में खाली गेंदे का फूल हो तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई ये चाहे कि इस देश में सिर्फ गुलाब का ही फूल हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, चमेली भी हो, इसमें हर तरह का फूल हो तभी ये बगीचा सजेगा, अच्छा लगेगा और देश तरक्की करेगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी सन 14 के बाद में जो हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे, जब वो सुबह से शाम तक वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और सिर्फ धर्म की बात करते हैं, ना वो पढ़ाई की बात करते, ना तरक्की की बात करते, ना रोज़गार की बात करते, सिर्फ उनको धर्म का नशा पिला दिया गया है। ये बड़ा गलत हो रहा है देश के अंदर, सांप्रदायिकता की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी। लेकिन धर्म की तो बात करनी पड़ेगी ना, अगर कोई अपने धर्म की ऐसे कहा जाए कि अगर बात कराए तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? नहीं, मैं कब गलत बता रहा हूँ? मैंने तो गलत नहीं बताया। धर्म की बात करो, आप इबादत करो, पूजा करो, लेकिन आप धार्मिक जो है विवाद मत करो। धर्म के ऊपर किसी को दूसरे धर्म को बुरा मत कहो,
और एक दूसरे धर्म को जो है आप किसी भी धार्मिक किसी भी पूजा को नमाज को रोकने की कोशिश ना करो। अभी आप देखा ना दिल्ली के अंदर क्या हुआ, लेकिन उसमें तो ये मामला बताया जा रहा है कि जो है पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी तो एम्बुलेंस को लेकर के दरोगा जी के माध्यम से इस तरीके का व्यवहार किया गया। क्या तो एम्बुलेंस की वीडियो तो अभी तक आई नहीं है, अब तो कहने को कुछ भी कह लो लेकिन एम्बुलेंस की कोई वीडियो नहीं है, इस तरह का तो कोई ऐसा मामला है नहीं। अगर नमाज की बात करें तो नमाज क्या सड़क पे पढ़ना ये जायज है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रैफिक जैसी समस्याएं होती हैं, ये तमाम बातें आती हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ट्रैफिक की जहां तक बात है पूरे देश का ट्रैफिक रुक जाता है जब कांवर जाता है, तो हम ही लोग कांवरियों का भाइयों का साथ देते हैं और हम जगह जगह कैंप लगाते हैं और ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ एक मिनट की बात होती है नमाज की, लेकिन और भी धर्म के काम होते हैं, चाहे हमारे सिख भाइयों का कोई धर्म का जुलूस हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे ईसाई भाइयों का हो, तो थोड़ा बहुत कोई जुलूस जलसा निकलता है तो हम थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है जो पिछले जो सांसद हैं जो पिछले कार्यकाल में रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य किए या नहीं किए? देखिए जहाँ तक विकास की बात है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, विकास के नाम पर तो सब अभी तक जीरो रहे हैं, समझ गए नहीं। और जहाँ तक अभी हमारे भाई ने बताया है कि एक लड़की ऑटो में जा रही थी उसके कान के बाली छीन ली, ये मैं समझता हूँ कि अभी प्रदेश के अंदर कुछ इस तरह का जो मामला चल रहा है ये बराबर चल ही रहा है, समझ गए नहीं। ये तो अगर उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक बार तुम बहन जी को मायावती को प्रधानमंत्री बना के देख लो कि इस देश के अंदर सारा सुधार आ जाएगा। और वैसे नहीं बहन जी के पीछे लग रहे हैं कि बहन जी के लिए कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो अखिलेश हो जौन सी भी पार्टी है, आज वो बहन जी को लेना चाहते हैं इसलिए देना चाहते हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाना चाहते हैं, इस देश का सुधार अपना आप हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बातें सामने आती है कि बहन जी के द्वारा जो टिकट की अगर बात आती है तो टिकट को लेकर के पैसे जैसी डिमांड की जाती है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं पैसे वो तो चंदा तो हर पार्टी लेती है भाई, बहुजन समाज पार्टी थोड़ा ना चंदा लेती है, चंदा तो हर पार्टी लेती है पार्टी फंड के लिए। पार्टी फंड में अपनी मर्जी से लोग देते हैं, मांगता कौन है? क्या बहन जी किसी के घर थोड़ा ही जाती हैं कि तुम मुझे पैसे दो या टिकट के पैसे नहीं है वो तो पार्टी फंड में चंदा दिया जाता है भाई। टिकट अगर बहन जी देती हैं तो बहन जी का इतना बड़ा समाज है और मजबूत समाज है जो बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, वो चंदा देते हैं तो उनको वोट भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और यही एक इस देश के अंदर ऐसा वोट है बहुजन समाज पार्टी का जो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे समाज को वोट मिल जाता है, वरना आप किसी भी पार्टी से टिकट मुसलमान लिया भाई दूसरी पार्टी से, अगर समाजवादी से कोई मुसलमान चुनाव लड़ता है तो हमारे जो यादव भाई हैं वो सारा का सारा टोटल वोट वो बीजेपी पे चला जाता है, वो समाजवादी को वोट नहीं देते। क्या लग रहा है कि अगर जो है बहुजन समाज पार्टी अगर मैदान में उतर रही जिस तरीके से तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ कन्वर्ट हो पाएगा? मुस्लिम वोट बहन जी को वोट देगा इस बार, बहन जी को वोट देगा। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफाम कुरैशी, मैं ओबीसी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हूँ। अच्छा कांग्रेस से है? जी हाँ। क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार क्या करके दिखाएगी? कांग्रेस तो इस बार बहुत जबरदस्त कारनामा करके दिखाने वाली है। अच्छा जी, नहीं कैसे अगर कांग्रेस की अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षता में जनाब सरकार बन रही है जी। और बहुत मजबूती के साथ सरकार बनने जा रही है। आज देश परेशान है, देश में युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान हैं, व्यापार ख़त्म हो चुके हैं। और आपने देखा कि भारत के अंदर कांग्रेस ने जितने विकास कार्य किए और इन 60-70 सालों में कांग्रेस ने जो भारत को खड़ा किया, आज उस खड़े किए हुए भारत को बेच बेच कर खाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी मीडिया जो है वो बिल्कुल चुप है, शांत है, क्यों है? मीडिया को क्या सांप सूंघ गया है कि मीडिया एक तरफा बात क्यों कर रही है? ये देश को अंधकार की तरफ धकेलने में सहायक बन रही है आज की मीडिया भारत की। नहीं कैसे कह सकते हैं कि मीडिया एक तरफा बात कर रही है? मीडिया तो तमाम मुद्दों को उठाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर विकास कार्य नहीं किए जाते तो उन्हें भी दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी विकास करी किया कहाँ है? विकास तो पैदा ही नहीं हुआ भाईजान, आज तक विकास पैदा नहीं हुआ, बेरोजगारी पैदा हो गई, उसके बदले महंगाई पैदा हो गई, नोटबंदी पैदा हो गई, GST पैदा हो गई, विकास नहीं पैदा हुआ, बेटियां इतनी पैदा हो गई इनकी ये वाली कि विकास तो खो गया कहीं। माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके चले हैं लोगों के लिए, विकास के लिए, ताकि इस देश में व्यापार आए। आपने देखा कांग्रेस की देन व्यापार, कांग्रेस ने जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप एंड ट्रेड लागू किया,
आपने देखा गेट प्रस्ताव किसने पास किया? आज जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये कांग्रेस लेकर आई। आज जिस कंप्यूटर के माध्यम से देश चल रहा है, ये कंप्यूटर कांग्रेस लेकर आई। आज ये मेट्रो कांग्रेस की देन, ये बड़ी बड़ी लोहे की स्टील की फैक्ट्रियां कांग्रेस की देन, बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस की देन। आदिवासियों को कांग्रेस ने दिखाया, SC को ऊपर लेकर आई कांग्रेस। अल्पसंख्यक के लिए काम किया कांग्रेस ने, महिलाओं के लिए काम किया कांग्रेस ने, मजदूरों के लिए, मजदूर परेशान हुए, मनरेगा लाई कांग्रेस। और क्या चाहते हैं आप कांग्रेस? क्या लग रहा है, आपने इतनी तमाम बातें बताई तो इसको लेकर के क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे? राहुल गांधी सफल हो पाएंगे? नहीं, हो चुके हैं। देश में राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है जगह जगह, और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इनकी पोलें खुल रही हैं, बेईमानियां नजर आ रही हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आप क्यों शांत हैं? मुझे दुख होता है, अफसोस होता है इस बात का। हम कहाँ शांत दिखाई दे रहे हैं, मीडिया तो कहीं शांत नहीं है। मीडिया तो जगह जगह जाके अपने बात बता रही है, जो जनता की बात है वो रख रही है, पटल पे लेके आ रही है। मीडिया तो न्याय यात्रा दिखाने को तैयार नहीं, मीडिया तो भारत जोड़ो यात्रा दिखाने को नहीं, मीडिया तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दिखाने को नहीं। मीडिया क्या दिखाने को है? वही दो व्यापारी अडानी अंबानी, हजारों लाखों करोड़ों व्यापारी को मार दिया गया, यहाँ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दो व्यापारियों को जो है लेके चल रही है सरकार, क्या करके रहेगी? कांग्रेस ने कभी जातीय राजनीति नहीं की, धार्मिक राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा सर्वदलीय सर्वधर्म की राजनीति की है। देश के लिए छोटे बड़े के लिए काम किया कांग्रेस ने, और करती रहेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। कांग्रेस जब भी कभी देश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, देश को बड़े नुकसान उठाने पड़े, और इतिहास गवाह है, कांग्रेस बहुत नई शक्ति के साथ कांग्रेस ने वापसी की है अपनी, और फिर करने जा रही है इस बार। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस के समर्थक जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई, और ये बताया कि कांग्रेस के द्वारा लगातार विकास कार्य किए गए, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी तरीके का ऐसा विकास कार्य नहीं किया गया जो कि पब्लिक द्वारा से उनकी सरकार बनवाए। हमारे साथ कुछ और भी जो है लोग मौजूद है, जनता जनार्दन मौजूद है, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित पाल है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अभी तो ये कह रहे थे कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। विकास तो जब देश आज़ाद हुआ था, अब से 14 से पहले जो सारे विकास इन्होंने तो करे हैं, वे रोक के रखे थे सिर्फ भाजपा के लिए। भाजपा आएगी और ये काम करेगी, भाजपा आएगी हाईवे बनाएगी, भाजपा आएगी महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान चलाएगी, भाजपा आएगी महिलाओं को आरक्षण देगी, भाजपा आएगी 3 तलाक का मुद्दा उठाकर, जो महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, महिलाओं का जो डेली की डेली बेइज्जती हो रही थी, उसे सम्मान देने का काम करेगी। ये भाजपा के आने की तैयारी तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। अगर सांसद जी के कार्यकाल की बात की जाए तो यहाँ की जो जनता है, जनता के द्वारा यही बताया जा रहा है कि आपके सामने ही बताया गया कि सांसद जी के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया, 10 साल में वो यहाँ तक आए नहीं। अब ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं। आज सांसद जी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के अनुसार एक अभी आप जाएंगे तो दस्तोई रोड पर एक हॉस्पिटल खुला है, जिला अस्पताल के नाम से है, उसमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब से पहले कि माइनर से एक हॉस्पिटल होता था ये गढ़ रोड पर। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी जिले भर में ऐसे करीब 100 से ज़्यादा अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल सारी चीज़ उपलब्ध हैं। सीटी स्कैन है, MRI है, सारी जितनी सुविधाएं, एक फुल बॉडी चेकअप की अभी कई उसमें करीबन 25 लाख रुपए की लागत से एक मशीन लगी हुई है फुल बॉडी चेकअप। गरीब जनता के लिए तो है, ये जाते नहीं, झांकते नहीं, कभी जनता का दुख दर्द जाना नहीं। अच्छा, लेकिन जो अगर यहाँ की अगर जनता की बात करें, ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनके द्वारा तो यही बताया गया जो यहाँ के जो प्रत्याशी है वो तो कभी आए नहीं, जनता का दुख दर्द सुनने ही नहीं आते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कह रहा है ये तो अपनी बात करेंगे ना कांग्रेस की। मैंने बताया ना, इन्होंने कहा कि मेट्रो इन्हें ये लेकर आए, मेट्रो अगर आ गई थी अब से पहले तो इन्होंने रोक के क्यों रखी? 2014 के बाद ही क्यों मेट्रो आई? 2014 के बाद ही क्यों विकास दिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है? 2014 के बाद ही स्कूलों की जो आप देख रहे हैं आज, स्कूलों की दुर्दशा सुधरी है, वो क्यों सुधरी है? ये इंतजार कर रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी आए, इन्होंने साथ दिया हमें उनका। और दूसरी बात, इन्होंने कहा धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी ने, अभी तक भी कोई धर्म का नाम नहीं लिया। इन्होंने जाति से लेकर धर्म से लेकर सारे मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर काम कर रही है। ना ही जाति की बात करती है, ना धर्म की बात कर रही है। सिर्फ इन्होंने आज तक यही कहा है, यही सोचा है और यही करा है देश में। देश को बैठने का काम करा है, किसी हिंदुओं को जाति के आधार पर और मुस्लिम को धर्म के आधार पर, ये सिर्फ अलगाव करना चाहते हैं। ये तो आपके सामने बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ये तो अब कांग्रेस वालों ने कहा कि भाजपा ने विकास नहीं करा, और भाजपा ने कहा कांग्रेस ने विकास नहीं करा। भैया पहले इन्हें मौका मिला 70 साल, अब इन्हें मौका मिल रहा 14 के बाद में। अब रह गई भैया बहुजन समाज पार्टी, भैया जैन चले गए भाजपा में, अखिलेश खत्म हो गए, अब ले दे के बसपा बस्ती है इस देश के अंदर। अब भैया विकास का मौका बहन जी को दे दो, बहुजन समाज पार्टी को दे दो, भैया विकास कर देगी बहन जी। हमारे साथ ये यहाँ की जो हापुड़ जो लोकसभा है, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, ये मौजूद है, और भी लोग मौजूद है, हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका?
मोहम्मद शाहरुख। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सर बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी की सरकार बनने वाली है? ये तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। सर बननी बीजेपी है अभी। अच्छा क्यों चाहते हो आप बीजेपी सरकार? नहीं सर देखो चाहने का मसला ये नहीं है, 2014 से जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो बनते बनते सरकार ने मुद्दा बना रखे हैं बहुत सारे जो चलते आ रहे हैं अभी तक और वो उनमें कामयाब हो रहे हैं अभी तक, ठीक है नहीं? तो सर मैं कहना चाहता हूँ अभी बीजेपी बनेगी। तो पढ़ाई कर रहे हैं आप या नहीं करते? नहीं करते जी। अच्छा बंद कर दी। अगर ये जो विपक्षी दल है इनके माध्यम से तो इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पे। सर बेरोजगारी तो बहुत है पर क्या करें, अनभव बहुत है ना, लोग बाकी कुछ भी कर लेते हैं, जनसंख्या भी बहुत है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करें तो आप बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं? हाँ ये सरकार बननी बीजेपी है अभी। अच्छा हमारे साथ और भी नौजवान है उनसे ही बात है ना, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम उमंग शर्मा है जी। उमंग शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली? अब की बार 400 पार मोदी सरकार। अच्छा अगर बात करें यहाँ पर अगर विकास की तो आपके जो सांसद जी उनके द्वारा क्या विकास कार्य कुछ? देखो हम नौजवानों को शिक्षा से मतलब है, आप हमारे हापुड़ जिले में देखिए इतने स्कूल सरकारी स्कूल खुल रहे हैं, अभी नवादा में खुला है स्कूल, विकास कार्य काफी हुए हैं। विकास कार्य हुए? हाँ जी। अगर यहाँ के आपके अगर हापुड़ की बात कर ले तो यहाँ पर ये जाम की स्थिति बन रही है, इसको लेकर क्या कहना है? तो 2014 से पहले जाम नहीं था। अच्छा। जाम की स्थिति लेकिन 10 साल में इस तरीके का बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव हुआ है, देखिए डिवाइडर देखिए, सड़क देखिए, सड़क देखिए, आप मेरठ से लेके मेरठ रोड से लेके बाईपास तक जाइए, डिवाइडर का निर्माण हो रहा है। आप नौजवान हैं तो नौजवानों को लेकर के ऐसा क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी? शिक्षा बहुत काफ़ी बेहतर हुई है पहले से, आज देखिए स्मार्टफोन दे रही है सरकार नौजवान को, स्टेडियम देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, मतलब आप पूरी तरीके से खुश दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किसकी सरकार चाहते हैं बाबू। सर बीजेपी की आएगी। बीजेपी? हाँ। ऐसा क्या दे दिया बीजेपी ने? देश इतनी मजबूती से खड़ा है और क्या चाहिए बताइए। नहीं देश तो खड़ा है लेकिन ये बेरोजगारी, शिक्षा, ये तमाम बातें इनको लेकर के ये तो चलता ही रहेगा जीवन में, जिसको करने वाले के लिए तो कोई कमी नहीं है, ना करने वाले के लिए तो बेरोजगारी बेरोजगारी। बिल्कुल, ये थी हापुड़ की जनता जनार्दन जिसने अपनी पूरी बात रखी और बताया कि वो किसकी सरकार चाहते हैं अथवा नहीं चाहते। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? भैया अंकित शर्मा, मैं पहले ही बात रख चुका पर जब इन भाइयों ने सबने बात कही अपनी कि अस्पतालों में विकास हो रहा है, इन्हें शायद अखबार के पन्ना पलटते नहीं है। अभी जिस अस्पताल के गुणगान कर रहे थे उस अस्पताल में एक महिला डिलीवरी करते हुए उसे एम्स भेजा गया, उसका इलाज नहीं हो पाया, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी थी, डॉक्टर नहीं आए, व्यवस्था नहीं थी, मशीनें यहाँ पे नहीं थी, उसे फिर जो नेहरू जी ने एम्स बनाया था वहाँ जा भेजा गया, वहाँ जाके उस महिला ने अपनी बिटिया को जो है डिलीवरी उसकी हुई पर वो महिला बच नहीं सकी। जिस मेडिकल व्यवस्था का ही गुणगान गा रहे हैं और जिन स्कूलों की ये वाहवाही बटोर रहे हैं उन स्कूलों की जाके पढ़ाई का देख लीजिए, ये जो बेचारे जो लोग बेरोजगार हैं खड़े हुए हैं ये बीते 10 साल में उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए हैं। और जिन सड़कों की बात कर रहे हैं उन सड़कों पर अगर आप निकल जाएंगे 250 रुपये का टोल है, हापुड़ से गाजियाबाद जिसे आदमी को जाना हो इतने का तेल नहीं लगेगा जितने का टोल लग जाएगा। हापुड़ से आप चाहे बुलंदशहर चले जाइए, चाहे गाजियाबाद चले जाइए, आप गढ़भ्रसघाट चले जाइए, हर सड़क पर आपको टोल देना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहर लोगों के दिलों दिमाग में जहर भरने का काम करा है। ये भैया कह रहे थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, अरे महिलाओं के लिए इज्जत लूटने वाले तो सारे बीजेपी में हैं, सारे बीजेपी में हैं, जिनकी वजह से महिलाएं परेशान हैं, महिला घर में दुबकने को तैयार बैठी हैं। विरोध इन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, इन्हें टोल की बात करी, भैया को बता देना चाहता हूँ। पहले जो हापुड़ से जब गाजियाबाद जाते थे तो एक एक इनके ही कुछ लोगों का एक अवैध वसूली का टोल था। अब से पहले टोल नहीं था क्या गाजियाबाद में? यही टोल था, अब पहले भी टोल था लेकिन अब क्या है उन्हें बेहतर सड़कें दे दी हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो इसलिए एक टोल लिया जा रहा है, उस टोल से भी नहीं आपत्ति है। सड़कें देके हम पे एहसान कर रहे हो क्या? इस देश की जनता पे एहसान कर रहे हो? अरे क्या अवैध वसूली? उस समय 10 रुपए का टोल होता था, 10 आम जनता खुश है, आम जनता की तो दवा आवाज, आम जनता डर रही है, आम जनता बोलने से डर रही है और आम जनता बोलेगी जब ईवीएम का बटन दबाएगी और इतनी तेजी से बटन दबाएगी उसका करंट, उसका झटका नरेंद्र मोदी को लगेगा, अंबानी अडानी को लगेगा इस बार। लेकिन अगर ऐसा विरोध अगर आपके सामने आएगा तो कैसे राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सांसद बन पाएंगे? गिने चुने जो यहाँ लोग हैं यही 5 लोग हैं, 5 लोग कहाँ कहाँ वोट मांगने जाएंगे आप मुझे बताइएगा? आम जनता खुश है, आम 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। अरे हमको बोलो रे, चाहता हूँ 5 लोग हैं, किसी भी गली मोहल्ले में घुसने की एंट्री नहीं है इनकी, इन्हें किसी भी मोहल्ले में एंट्री नहीं है। जो इन्होंने चोरी चकारी करी है, डकैती डाली है भारतीय जनता पार्टी को, उसे उसे खत्म करने का काम किया है।
अरे इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जो है चंदे का धंधा बना दे। देखो बहुत सुंदर गाना है, आओ सिखाऊं तुम्हें चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा, इसमें छिपा है मोदी का ये फंडा, चंदे का धंधा, चंदे का धंधा, ये चंदे का धंधा करने वाले लोग हैं। मैं बताना दे देना चाहता हूँ, ये तो इन्हें सिर्फ आम आदमी ने अपनी जेब से एक एक हजार रुपए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आम आदमी गरीब 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए। और दूसरी बात, और इन्हें चोरी आपको मालूम होगा, अभी पीछे राफेल का मुद्दा बनाया था, ऐसे ही मुद्दे बनाते हैं झूठ। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ईडी की कार्रवाई अन्य बीजेपी के नेता पर क्यों नहीं हो रही, सभी विपक्षियों पर क्यों? सभी पर हो रही है, जिस पे भी ईडी अब कार्रवाई करती है, जांच होती है, जो चंदा नहीं देता, जो आदमी चंदा नहीं देता, ईडी उसी पे कार्रवाई करती है बस। अब इनके कहने, अब ईडी इनके घर आई, ईडी इनके घर आई, ये बताइए आम आदमी किसी घर ईडी आई हो? एक चीज तो बताइए, जब विपक्ष को आप इतना कमजोर कर देंगे तो सरकार तो वैसे ही निरंकुश हो जाएगी। कमजोर है, चोरी चकारी डकैती तो बंद करवाइए, कमजोर कर दिया भैया तो बंद नहीं करवाएंगे क्या? चोरी चकारी डकैती बंद ना करवाएंगे तो ये तो फिर हमारे गला काट देंगे। अब देखिए धर्मवाद की राजनीति इन्होंने बताई, एक भी भारतीय जनता पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा है उसमें मुस्लिम लोग रहते हैं, उसमें सम्मान देने का काम कर रहा है। अनुसूचित बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी इनके अध्यक्ष गृह मंत्री कहते हैं, मैं धर्म जाति कपड़ा देख के बता देता हूँ। एक मुद्दा भैया, एक लोकल मुद्दा है, आप यहाँ से चालू करो, हमारा ततारपुर से शहर चालू होता है और निजामपुर में खत्म हो जाता है, हमारा शहर यहाँ बिलंदशहर रोड पे से बाईपास से चालू होता है और पुलिस लाइन पे खत्म हो जाता है, इतना पुलिस का प्रकोप है। आप यहाँ जाएंगे वहां से चालू हो जाओ ततारपुर से, वहां बचोगे तो आपका यहाँ पे चालान काट दिया जाएगा, पक्के बाग पर, पक्के बाग से बचोगे अतरपुरे पे चालान काट दिया जाएगा, अतरपुरे से बचोगे तो तहसील पे काट दिया जाएगा, तहसील से बचोगे तो रामलीला ग्राउंड पे काट दिया जाएगा, और यहाँ से बचोगे तो तुम्हारा निजामपुर पे काट दिया जाएगा। मतलब ये लगा लो पुलिस का इतना प्रकोप है, कोई आदमी अपनी जो मजदूर आदमी है वो मयूरी नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी मयूरी बंद हो जाएगी। सी जितनी मयूरी है, सुबह शाम तक मेरे पास 10 फोन आते हैं, 2-4 की मदद भी करता हूँ, जितनी होती है उन्हें छुड़वाता भी हूँ। मयूरी वालों का इस समय बिचारों का इतना मामला खराब ना, तो इन्हें स्टैंड दिया जा रहा, जब आप इन्हें स्टैंड नहीं दे पाओगे तो ये कहाँ पे खड़े करेंगे? तो जाम की व्यवस्था तो जब ही खत्म होगी जब इन्हें स्टैंड देंगे। आप ये बताइए कि जो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है वो कहीं नहीं बच सकता, ये लगा लो कभी उसकी नंबर प्लेट पर, कभी उसके कपड़ों पर, कभी हेलमेट पर। आप ये बताइए नगर पालिका के अंदर कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर हेलमेट का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर पुलिस वाले इतना चलान काटते हैं, पूरे जिले से हो सकते हैं 10 लाख रुपए की रोज की रिकवरी हो रही है, इतना बेखौफ हो चुका है ये मामला शहर का। चलिए तो ये थी हमारे साथ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र की जनता, जिसने अपनी बात रखी और बताया कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं। बताना चाहेंगे जनता ही जनार्दन होती है, इन्हीं के दम पर सरकार बनती है, ऐसे में इस जनता का दुख बताना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं कृष्णा सोलंकी, हापुड़।